हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ अपने पूरे लॉफ्ट की अपडेट। जो कुछ भी गुड न्यूज़ होगी वो आपको बताऊँगा और जो कुछ भी बैड न्यूज़ होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक बैड न्यूज़ बता देता हूँ जो भाई कल सुबह ही हुई थी। तो हुआ क्या था दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पास एक ग्रे बार का बच्चा है जो सामने वाली पेटी में रहता था, ये वाली, ये सेकंड नंबर पे सबसे ऊपर वाली। तो भाई वो नीचे था और कल जब मैंने और भाई ने कबूतर यूँ खोले ही थे तो यहाँ पर भाई वो मरा हुआ हमें दिखा। कबूतर तो भाई देखो बाहर आ चुके हैं, तो अपन ने सभी को खोल दिया है और अभी अपने कबूतर बाहर आ चुके हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कल की, क्योंकि भाई वो दिखा सकूँ वीडियो में या फिर मैं फ़ोटो भी लेता वो इस लायक नहीं था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था उसका इस हाल में फ़ोटो लेना। उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। तो हुआ क्या दोस्तों, भाई वो यहाँ पर मिला और मुझे लगता है कि भाई कभी कभी क्या है, बिल्ली जो कमज़ोर कबूतर होती है उसको पकड़ ही लेती है। अब देखो भाई इतना गैप है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भाई बैठने लगा था बिल्कुल यहाँ पर गेट पर, तो बिल्ली के लिए बहुत ही आसान है, बिल्ली के ज़्यादा मोटे हाथ पंजे भी नहीं होते, तो उसने मुझे लगता है पकड़ के खींचा होगा ये जो कुछ भी किया होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसकी पैर गायब थे और बीच का जो पेट वाला हिस्सा था वो भाई बिल्कुल फटा हुआ था, मतलब बीच में से पेट फाड़ दिया था। और बाकी हमने इधर कुछ बाल्टी भी रखी हुई थी, रात के टाइम ये भी रखते हैं यहाँ पर, और बाल्टी भी, तो इसने वो भी गिरा दी थी। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारा एक फेंटेल बीमार बच्चा था वाइट कलर का, उसके साथ ऐसा हुआ था और अब भाई दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इसके साथ ऐसा हुआ है। कोई नहीं भाई, ये देख सकते हो अभी हमारे पूरे पट्टे अंदर हैं, तो इनको निकालते हैं। ये क्यों बैठा है, अपन इसको भी निकाल लेते हैं। चलो, ये भाई खुद से अभी तक नहीं खाना शुरू किया क्योंकि इसके पेरेंट जब तक खिला रहे हैं वो ये सोचता होगा अभी मुझे क्या ज़रूरत खुद खाने की। बाकी ये सभी माशाल्लाह से सब खुद से खाने लगे। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं इसको ताकि भाई मच्छर थोड़े बहुत तो कम हो ही जाएँ, जितनी कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है भाई हम करते हैं जब ये रिज़ल्ट है, नहीं तो भाई काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे ख़त्म हो जाते थे और हम कुछ भी नहीं कर पाते। अभी कम से कम ये है कि एक आध दो दाना ही हो पाता है इनकी चोंच पे, बाकी ज़्यादातर तो कबूतर माशाल्लाह से बच्चे कबूतर के बच ही आते हैं। आज मैं आपको सभी बच्चे दिखाऊंगा भी और शौक भी करवाऊँगा। रही बात इनकी, तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने एक मिनी ब्लॉग डाला था, आपने देखा होगा, ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था बिल्कुल सही से। तो अभी आप देखो, ये देखो भाई माशाल्लाह से इतने ऊपर से भी कूद गया, उसके बाद भी भाई ये प्रॉपर खड़ा है वे, लेकिन भाई अभी भी सुस्तों की तरह बैठा रहता है। इलाज हम कर देते हैं और खिला भी हम देते हैं, कभी कभार खुद ही खिलाना पड़ता है जब ही भाई ये बचे हुए हैं, क्योंकि ये खुद से तो खाते हैं नहीं, ना इनके पेरेंट खिलाते, तो बचने का तो रीज़न बस यही है मुझे लगता है कि हम इसको खिला देते हैं, इसीलिए भाई ये खाता पीता है जितना हम खिलाते हैं उस हिसाब से। बाकी अभी तो भाई ये ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो मैं माना थोड़ा ऐसे ही उंगरा है लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। और अभी दोस्तों हमने सभी कबूतरों को खोल के यहाँ इनको डाल दी थी ईंट कूट के, देख सकते हो अभी हमारे सभी कबूतर खा रहे हैं ईंट। तो अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इनका वाटर ड्रिंकर भी भर के रख देता हूँ जो भाई बिल्कुल खाली हो चुका है। दोस्तों मैंने भर दिया है भाई इनका पानी और इसको रख दिया है यहाँ पर, तो अभी तो भाई ये पियेंगे नहीं जब तक ये दाना खाएंगे नहीं, तो अभी अपन इनके लिए दाना भी ले आते हैं। तो दोस्तों ये आ चुका है भाई हमारे सभी कबूतरों का दाना, देख सकते हो आप लोग, भाई ले आया है ट्रे में और दूसरी छोटी ट्रे में और एक प्लेट में, ताकि भाई कबूतर आसानी से खा लें। प्लेट में भी खा लेते हैं लेकिन भाई अभी क्या है, थोड़े और कबूतर हमें लगता है ज़्यादा होना है ताकि सभी कबूतर आराम से खा सकें, इसलिए हमने प्रॉपर रख दिया है सबको दाना, देख सकते हो आप लोग। और ये वाले कबूतर भाई अभी तक मिट्टी ही खा रहे हैं, तो इनको मैं हटा देता हूँ ताकि भाई ये दाना खा लें। तो देख सकते हो दोस्तों आप लोग, अभी माशाल्लाह से हमारे सभी कबूतर दाना खा रहे हैं और ये येलो बच्चा भी दाना खा रहा है। पहले मुझे लग रहा था ये दाना नहीं खा रहा, सुस्त बैठा है, लेकिन भाई ये भी देख सकते हो माशाल्लाह से दाना खा रहा है। दाना नहीं खा रहा तो सिर्फ एक ही कबूतर है, वो है अपना ब्लैक शील्ड का बच्चा। तो लास्ट में हम इसको हैंड फीड करा देते हैं, तो इसकी कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो देख, जब तक हमारे दोस्तों सभी कबूतर दाना खा लेते हैं अपन इनका थोड़ा इंतज़ार करते हैं, जब ये अपने अपनी पेटियों में लॉफ्ट में चले आएंगे उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा लॉफ्ट के अंदर और जो कुछ भी है सभी कुछ आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हमारे सभी कबूतरों ने दाना खा लिया था, देख सकते हो अब ज़्यादातर कबूतर जो हैं वो मिट्टी खा रहे हैं यहाँ वहाँ घूम के। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लॉफ्ट के अंदर और दूंगा भाई आपको अपडेट, जो कुछ भी चल रहा है वो सभी कुछ बताऊँगा। एक बैड न्यूज़ हुई थी कल जो मैंने भाई आपको बता दी कि वो बच्चा मर गया था, अब उसी के साथ सबसे पहले आप बोल रहे होगे कि भाई
लॉफ्ट आपका कितना ज़्यादा गंदा और ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले भाई हमें यही काम करना है, आज तो नहीं करेंगे, अपन करेंगे संडे को, आज तो है भाई फ्राइडे, तो कल या परसों अपन अपने पूरे लॉफ्ट की भाई कर देंगे अच्छे से साफ़ सफाई। उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई लॉफ्ट साफ़ हो चुका है, पेटियों की हालत बची नहीं है कि साफ़ करें, क्योंकि भाई पेटियां साफ़ करना है तो भाई वो टूट रही हैं अपने आप ही, क्योंकि दीमक जो होती है वो लकड़ी खाती है, तो वो लगभग भाई आधी से ज़्यादा पेटियों को ख़राब कर चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूँ हमारे भाई ब्लू बार शिराजी के बच्चे, देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह से भाई दोनों ही ब्लू बार आ रहे हैं, दोनों के कलर भी आ चुका है। और प्रकाश भाई भी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वो बता रहे थे जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनका कलर भाई काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और ये भाई खुले कलर के ब्लू बार आएंगे। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है, वैसे तो मुझे भी लग रहा है माशाल्लाह से। और इसके हल्का सा भाई एक दाना हो रहा है कान के पास, ये देखो, तो हम इसके अभी कुछ लगा देंगे ताकि दाना वहीं के वहीं सूख जाए। बाकी ये वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, और इसमें तो येलो बच्चा था, इसमें कुछ भी नहीं है। और रेड शिराजी का बच्चा देख सकते हो भाई आप लोग, अभी रेड आ तो रहा है लेकिन इसके कुछ बाजू भाई वाइट आएंगे, कुछ जो पर हैं आप देख सकते हो इस साइड से कुछ वाइटनेस है। अब वो जैसा भी होगा भाई अपन देखेंगे, अब इतने छोटे बच्चे का पहले से अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वाइट बाजू आएंगे 100%। बाकी जो येल्लो बच्चा था एक मर गया था और दूसरा बच गया था, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से भाई ये तो फुल मार्किंग में आ रहा है और येल्लो कलर का ही है, देख सकते हो अभी तो भाई ये बैठा हुआ है, तो अपन इसको बैठे रहने देते। और रही बात भाई हमारे इस लेवेंडर ग्रे बार पेयर की, तो इस अंडे का भाई कुछ नहीं कह सकते बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई वो बैठ तो रही है, हमने उसको ना चेक किया ना कुछ किया। अब देखते हैं भाई इनके अंडे में से बच्चा निकलता है या नहीं निकलता। वैसे तो फर्टाइल होना चाहिए, हमेशा रहता था, लेकिन जो इनका लेवेंडर बच्चा था वो भाई काफ़ी बार जाकर बैठता था, तो हो सकता है उससे कोई दिक्कत हो। बाकी अगर निकल जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता ही दूंगा कि इसमें हमारा रहता था भाई वही अपने ग्रे बार का बच्चा जो भाई कल मर गया। और भाई इसने भी दोनों अंडे दे दिए थे, मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था तो मैंने आपको बताया था इसने एक अंडा दिया है, तो इसने भाई माशाल्लाह से दोनों अंडे दे दिए थे और दोनों भाई माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं, साइज़ में भी अच्छे हैं। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये हो गई थी, ठीक है अब भाई इनसे खुद के ही पलवा लेते हैं, क्योंकि कोई भी हमारा बड़ा प्यार अभी अंडों पर या बच्चों पर नहीं है। और ये भाई हमारे फैंसी कबूतर का बच्चा देख सकते हो माशाल्लाह से, ये दो बाज टाइप में आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से ब्लैक है नीचे से वाइट है, तो भाई बाप इसका वाइट है और माँ ब्लैक है, तो मिक्स होके आ रहा है। अब वो जैसा भी आएगा छोटी वोटी आने के बाद तो अपन देखेंगे कि भाई ये कैसा आता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैक शिराजी के बच्चे थे दोनों बाहर हैं। और इनका भाई अपन ने देखा ही था दोनों अंडे जो थे वो अनफर्टाइल थे, तो भाई काफ़ी बुरा लगा था ये देखकर, लेकिन हमने कहा अभी इसको बैठा रहने दो, इसको नहीं तो हटा दिया तो वो फिर से ब्रीड करवा के फिर से अंडे रखवा देगा, तो अभी इनको कोई दिन अपन बैठे रहने देते हैं। और इसने भी भाई एक और गुड न्यूज़ दे दी थी फाइनली माशाल्लाह से, इसने क्या किया था भाई, इसने भी दूसरा अंडा दे दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अभी ये भाई थोड़ा फ्री हो चुकी है, तो माशाल्लाह से इसने भी दोनों अंडे दे दिए हैं। अब भाई हमें इनके बस एक बार बच्चे देखना है किस टाइप में आएंगे, रेड आ गए तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि रेड बच्चों की भाई मुझे लगता है कमी है, काफ़ी महीनों से हमने रेड शिराजी बच्चा नहीं देखा अपने लॉक में, तो रेड आ गए ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, वो फीमेल देख के लग रहा है कि भाई बहुत अच्छे से पालेगी, ठीक है। और ये है भाई हमारे एलमंड मुखी के बच्चे, एक वो एक तो क्या बोलूँ, नहीं तो भाई कुछ अलग ही एंटिक कलर आ रहा है, एलमंड ही आएंगे जहाँ तक है, तो वो जब बड़े होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। इनको तो भाई हम बहुत ही कम देख पाते हैं क्योंकि सबसे आखिरी की पेटियों में सबसे नीचे हैं, ये देखो भाई पीछे एक ब्लैक टाइप का है, वो पता नहीं कैसा आएगा, इसका भी मुझे नहीं पता। बाकी लक्का के नीचे फेंक एक था, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो बस लॉफ्ट में दोस्तों इतना ही कुछ है जो मैंने अभी आपको दिखा है, जितने भी बच्चे थे वो बताए और जो कोई अंडों पर था वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये देख सकते हो भाई बना रहा है शॉर्ट वीडियोस अपने कबूतरों के साथ, और कबूतर जो हैं वो अभी तक भाई मिट्टी ही खा रहे हैं, देखो भाई इतनी ज़्यादा पसंद होती है इनको मिट्टी, और ये जो बीमार बच्चा था ये भी भाई मिट्टी पे चोंचे मार रहा है, तो अच्छा है भाई कुछ तो खाए कम से कम, बस खाता रहा है। और कुछ कबूतर वहाँ पर मिट्टी खा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ भी मिट्टी कूट कर डाल देते हैं। और ये देख सकते हो सिल्वर बच्चा अभी भी खुद से ही खा रहा है और इसका पेरेंट भाई अभी भी इसको खिलाता है। और भाई हम सोच रहे हैं थोड़े टाइम में नया कबूतर ले ही आएँ, काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था लेकिन भाई वो सेल हो चुके थे, उसके बाद हम खुद भी गए थे एक बार लेने, तब भी भाई जब वो पहुँचे तो वो वाले भी सेल हो चुके थे। अब उम्मीद है दोस्तों आप बस दुआ करना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए कबूतर दिखाऊं, बात चल रही है तो लगभग बात हो ही गई है, बस आ जाएँ, क्योंकि बात तो पहले भी हो चुकी, लेकिन होता क्या है वो आ नहीं पाते या सेल हो जाते हैं,
तो बात तो हो चुकी है, पसंद भी आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह बस आना बात नहीं है, जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह जरूर आपको शौक का वीडियो देखने को मिलेगा। तो बस ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें मुझे आपको सब कुछ अपडेट देना थी लॉक में, जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ अभी मैंने किया सभी कुछ आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और भाई चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।